नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मेरा नाम उदित आर्यन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, अगले महीने से वोटिंग है और 7 चरणों में यह पूरा मतदान पूरा कर लिया जाएगा। अब आपको बताएं कि बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश चुनाव का सीधा असर देखने को मिल रहा है। कई राजनीतिक पार्टियों के बीच तानातानी देखने को मिली, बहसबाजी का दौर चला, बयानबाजी का दौर चला, उसके बाद गठबंधन तोड़ने का भी बात हुआ कि एनडीए गठबंधन जो बिहार में वो टूट जाएगी। और इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव अगर कोई नेता दिखे तो वो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी दिखे, लेकिन बीजेपी और जेडीयू एक साथ होने का दावा कर रही थी। और ये दावा जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से किया जा रहा था। लगातार बयान आ रहे थे कि यूपी में जो चुनाव है वो बीजेपी और जेडीयू साथ में लड़ेगी। ललन सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के, उनके द्वारा भी यही कहा गया कि साथ में हम चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, किस विधानसभा से कौन प्रत्याशी खड़ा होगा, ये सभी काम जो है वो रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह करेंगे, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी से उनके अच्छे संबंध हैं। अब हुआ यूं कि अंतिम समय तक बीजेपी ने ना तो इस पर कोई बयान दिया और ना ही इस पर हामी भरा। और बीजेपी ने अपने पहले जो सूची जारी की है उम्मीदवारों का वो जारी कर दिया गया, जिसके बाद ये बात साफ हो गया कि बीजेपी को जेडीयू में कोई इंटरेस्ट नहीं है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। तो ऐसे में अब जेडीयू भी मुखर तौर से ये बात कह रही है कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसे लेकर आज वहां पर यानी लखनऊ में, जो कि राजधानी है उत्तर प्रदेश की, वहां पर जेडीयू के तमाम नेता जो है वो वहां पर जुटेंगे और एक अहम बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल आपको बता दें कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के यूपी में, उन्होंने बैठक बुलाई है। और यूपी के प्रभारी और पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी के मुताबिक बैठक में यह तय हो जाएगा कि पार्टी अकेले कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। लखनऊ की बैठक को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश से जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल का केंद्रीय चुनाव समिति को भेजी जाएगी और केंद्रीय चुनाव समिति जो है वो इस लिस्ट पर अंतिम मुहर लगाएगी। इस बैठक में उन लोगों को भी बुलाया गया है जिन्होंने जेडीयू से चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू के नेता एक तरफा ये ऐलान करते हुए हमें दिख रहे थे कि यूपी में बीजेपी और जेडीयू जो है वो साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन जब बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी उम्मीदवारों की, करीब 78 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें जेडीयू का तो कहीं नामों निशान भी नहीं है और ना ही तो औपचारिक तरीके से बीजेपी बिहार या फिर बीजेपी उत्तर प्रदेश या फिर जो केंद्र नेतृत्व है बीजेपी का, किसी के द्वारा ये बात नहीं कहा गया कि जेडीयू और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ बिहार में अगर हम बात करें बिहार के परिप्रेक्ष्य से, तो यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि सम्राट अशोक के मामले पर जो जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी उपेंद्र कुशवाहा और बीजेपी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष यानी संजय जायसवाल, उनके बीच तूतू मैं लगातार जारी है। पत्र निकाला जा रहा है, पत्र में सवाल किए जा रहे हैं और फिर दूसरा पत्र निकल रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से, उनसे अलग सवाल किए जा रहे हैं। तो तानाताने जो है वो साफ दिख रहा है। नालंदा में जो 13 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब से, उसे भी लेकर बिहार बीजेपी लगातार विपक्ष की भूमिका में दिख रही है। तो यूपी चुनाव का जो असर है वो बिहार पर दिख रहा है। और जब से ये बात साफ हो गया कि यूपी में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, उसे जेडीयू की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं वो ज्यादा एग्रेसिव होकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। तो ये बैठक होने जा रही है लखनऊ में, अनूप पटेल जो कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और केसी त्यागी और भी तमाम जो नेता हैं जेडीयू के, वे सभी वहां पर जुटेंगे और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। और ये टिकट जो है वो बहुत जल्द फाइनल होगा और लिस्ट जो है वो भी जारी हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।